हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे इस शिवपुराण की वीडियो में आप सबका बहुत सारा स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि इसके पहले की सारी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होंगी और आगे भी आप इसी तरह से हमारा सपोर्ट करेंगे, हमारी वीडियो लाइक एंड शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जितने लोगों ने बेल आइकन दबा रखा होगा उनको हमारी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए, अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए ना, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए, आज हम अपना शिवपुराण का 11वां अध्याय शुरू करते हैं। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग को किस प्रकार स्थापित करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, किस देश काल में एवं किस द्रव्य से उसको निर्मित करना चाहिए। सूत जी ने कहा, मैं तुम लोगों से इस विषय का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो एवं समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी इत्यादि के तट पर, अपनी रुचि के अनुकूल ऐसी जगह पर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजन की जा सके। पार्थिक द्रव्य, जलमय द्रव्य अथवा तेजस पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने में उपासक को उस पूजा का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो तत्काल पूजा का फलदायक होता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो उसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना गया है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवपीठ मंडलाकार, गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी, प्रशस्तर आदि अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनना चाहिए। यही स्थावर अचल प्रतिष्ठा वाले शिव लिंग की विशेष बात है। चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु बाढ़ लिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले यजमान के बाहर अंगुल के बराबरी होनी चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग को उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष की बात नहीं। चरलिंग में भी वैसा ही नियम है, उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के एक अंगुल के बराबर होनी चाहिए। उससे छोटा होने पर अल्प फल मिलता है, किंतु उससे अधिक होना कोई दोष की बात नहीं है। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक निमान या देवालय बनवाए जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ हो। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख द्वार हों। जहाँ लिंग को स्थापित करनी हो उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल वैदुर्य, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और
हीरा। इन नौ रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों के को मंत्रों के साथ छोड़ें। सज्ञोजात आदि पांच वैदिक मंत्रों पांच वैदिक मंत्र यह हैं। पहला ओम सज्ञोजातम प्रपदामि सज्ञोजाताय वै नमो नमः। दूसरा मंत्र है भत्रे भवेनाति भवे भवस्य मा भवोद्यवाय नमः। तीसरा मंत्र है ओम वाम देवाय नमो ज्येष्ठाय नमः। चौथा मंत्र है ज्येष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविक्रणाय नमो बल विक्रणाय नमो बलाय नमो बल प्रतमत नाय नमः। पांचवा मंत्र है और सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है सर्वभूत दमनाय नमो मनोरथाय नमः। इस मंत्र द्वारा शिवलिंग का पांच स्थानों में क्रमशः पूजन करें। अग्नि में हवेश्य की अनेक आहुतियां दें और परिवार सहित मेरी करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन से अथवा भाई बंधुओं की संतुष्टि मन चाही वस्तुएं देकर करें। याचकों को जड़ सुवर्ण गृह यौम भू संपत्ति अथवा चेतन गौ आदि वैभव प्रदान करें। स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्नपूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में सुवर्ण तथा नौ प्रकार के रत्न भरकर सज्ञोजातादि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओम कार का उच्चारण करके उक्त गड्ढे में शिवलिंग को स्थापित करके उसे पीठ से संयुक्त करें। इस प्रकार पीठ लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप अर्थात दीर्घ काल तक टिके रहने वाले मसाले से जोड़कर स्थिर करें। इसी प्रकार वहां परम सुंदर वेर अर्थात मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। सारांश यह है कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसी लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है वैसी ही वेर अर्थात मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। अंतर इतना ही है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है परंतु वेर की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जहां लिंग की प्रतिष्ठा हुई है उस स्थान के 12 उत्सव के लिए सवारी निकालने आदि के हेतु मूर्ति को रखना आवश्यक है। मूर्ति को बाहर से भी लिया जा सकता है उसे गुरुजनों से ग्रहण करें। बाह मूर्ति लेने के लिए वही पुरुष योग है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग में और मूर्ति में भी की हुई महादेव की पूजा शिवप्रद प्रदान करने वाली है। स्थावर और जंगम के भेद द्वारा लिंग दो प्रकार का बोला गया है। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि कीट आदि को जंगम लिंग कहते हैं। स्थावर लिंग को सींचने आदि के द्वारा सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग की तृप्ति आहार एवं जल आदि दिए देकर किया जाना उचित होता है। उन अस्थावर जंगम जीवों को सुख पहुंचाने में
अनुरक्त होना भगवान शिव का पूजन है, ये विद्वान पुरुष मानते हैं। यो चराचर जीवों को ही भगवान शंकर का प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसकी पूजा करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए तथा देवालय के पास ध्वजारोपण भी करना चाहिए। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है, अथवा चरलिंग में षोडशोपचार द्वारा यथोचित रीति से क्रमशः पूजन करें। यह पूजन भी शिवप्रद प्रदायक है। आवाहन, आसन, अर्घ, पाद, पादाग्र, आचमन, अभ्यग्र पूर्वक स्थान, स्नान, वस्त्र एवं यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, समर्पण, निराजन, नमस्कार और विसर्जन, यह 16 उपचार हैं। अथवा अर्थ से के लेकर नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण, ये सब यथाशक्ति नित्य है। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव पद प्राप्त कराने वाला होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर, पुष्प फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्न इत्यादि से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार उसका पूजन करें, अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जप करें, अथवा दोनों संध्याओं के समय 1,000 प्रणव का जप किया करें। यह क्रम भी शिवपद की प्राप्ति कराने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। जप काल में मकरांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है तथा अन्य शब समय भी उपांशु जप ही करना चाहिए। नाद और बिंदु से युक्त ओमकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदरपूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जाप किया जाए या दोनों संध्याओं के समय 1,000 का भी जप किया जाए तो उसे शिवपद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मृत्तिकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सबको उत्तम माना गया है। द्विजों के लिए नमः शिवा के उच्चारण का विधान है। द्विजेतरों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधिपूर्वक नम्योन्त उच्चारण का ही विध्यान है, अर्थात वे शिवाय नमः का ही जप करें। कोई कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवा का जप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 और 4 करोड़ का जाप करने से मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त करता है, अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1,000,000 जाप करें, अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हों
उतने लाख जाप करें। इस तरह के जाप को शिव व्रत की प्राप्ति करने वाला समझ लेना चाहिए। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1000 जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 1000000 जप पूर्ण कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उस मंत्र से अभीष्ट कार्य की सिद्धि प्राप्त होने लगती है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री का जप करे। ऐसा करने से गायत्री क्रमशः शिव पद प्रदान करने वाली होती हैं। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों का भी नियमों के अनुरूप जप करना चाहिए। वेदों का पारायण भी शिव पद की प्राप्ति करने वाला है। ऐसा जानना चाहिए, अन्याय को बहुत से मंत्र हैं, उनका भी भक्तिपूर्वक जितने अक्षर हों उतने लाख जप करें। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह क्रमशः शिवपद अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए, अर्थात ओम मंत्र का प्रतिदिन 1000 जप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी लगाता है अथवा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने बुहारने आदि की व्यवस्था करता है, वह इस पुण्य कर्म को करके शिव पद प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र हैं उनमें भक्तिपूर्वक नित्य निवास करें। वह जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाला होता है। अतः विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। शिव के इन पुण्य क्षेत्रों में स्थित मानव द्वारा स्थापित किए हुए शिवलिंग अथवा स्वयं प्रकट हुए अर्थात स्वयंभू शिवलिंग का पूजन आदि करने से मनुष्यों के सहस्त्र जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी कुआं और पोखरों आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है, वहाँ स्नान दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव की प्राप्ति कर लेता है। अतः मृत्यु पर्यंत शिव क्षेत्र में आश्रय लेना चाहिए। जो शिव क्षेत्र में अपने किसी मृत्यु संबंधी का दास दाह दशाह मासिक श्राद्ध संपिंडीकरण या वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल ही अपने सभी पापों से मुक्ति पा लेता है और अंततः शिव पद को प्राप्त कर लेता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7-5-3 या 1 रात ही निवास करने वाले को भी क्रमशः शिव की प्राप्ति होती है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करने से ही मनुष्य शिव पद की प्राप्ति कर लेता है। यह इसलिए 2 बार दोहराया गया है जिससे आप सब इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकें। वर्णानुकूल आचरण से तथा भक्तिभाव से वह अपने सत्कर्म का अतिशय फल पा लेता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभीष्ट फल को वह शीघ्र ही पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिवपद की प्राप्ति कराने वाला होता है। दिन के 3 भाग अर्थात प्रातः
मध्याह्न और शायाह्न, इन तीनों में क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातःकाल को शास्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय समझना चाहिए। मध्याह्न काल सकाम कर्म के लिए उपयोगी है तथा सायंकाल शांति कर्म के लिए उपयोगी है, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात के चार प्रहरों में जो बीच के दो प्रहर हैं उन्हें निशित काल कहा गया है। विशेषतः उसी काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभीष्ट फल को देने वाली होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिवाराधना करने वाले पुरुष यदि सदाचारी हैं और पाप से डरता है तो उन सभी कर्मों को पूरा पूरा फल की प्राप्ति कर लेता है। ऋषियों ने कहा, सूत जी, पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर सकते हैं, यह हमें संक्षेप में बताइए। सूत जी ने कहा, श्रद्धा के साथ तुम सभी पुण्य क्षेत्रों का वर्णन सुनो। ये रहा आज का हमारा 11वां अध्याय। उम्मीद करते हैं यह अध्याय भी आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। यह अध्याय बाकी अध्याय से थोड़ा तो लंबा है, पर आप सबको यह शिव पुराण अवश्य सुनना चाहिए। हर दिन एक छोटी छोटी वीडियो ही हम अपने चैनल पर डालते हैं। यह आप सबके लिए बहुत ही अच्छा है। आप कोई भी काम करते हो, किसी भी काम में बिज़ी हो, अगर आप चाहें तो इसे फ़ोन में चलाकर सुन सकते हैं। यह सुनने से ही हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और भगवान शिव हमारा हर समय साथ देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइज़।